तो जहां छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया है, वहीं राजस्थान में अब भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो उप मुख्यमंत्रियों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ 12 दिसंबर को शपथ ली थी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। राज्य में अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। और मंत्रिपरिषद विस्तार में देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि निराशा है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया था, लेकिन 22 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका है। इससे सरकारी कामकाज ठप हो गया है, सभी में असमंजस की स्थिति है। लोगों को पता नहीं है कि अपनी समस्याओं के लिए किसके पास जाना चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द कैबिनेट का गठन हो ताकि सरकार का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। वहीं बीजेपी ने गहलोत पर पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस तो अभी तक अपना नेता विपक्ष ही नहीं बना सकी है, तो क्या कारण है कि राजस्थान में इतना समय लग रहा है बीजेपी को? हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए। वीरेंद्र, क्या कारण बता रहे हैं बीजेपी नेता और कब तक ये विस्तार हो सकता है? देखिए, भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने 15 दिसंबर को अपनी जो मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इसके अलावा दो डिप्टी सीएम जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जो दिया कुमारी हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। उसके बाद अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, उसको लेके जो लगातार कह सकते हैं कि जो विपक्ष है कांग्रेस, वो लगातार है बीजेपी को निशाने पे ले रही है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजस्थान की सरकार है वो दिल्ली से चलाई जा रही है, यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल को लेके जो देरी हो रही है, इसको लेके लगातार विपक्ष बीजेपी पे काफ़ी हावी हो रहा है। उसको लेके जिस तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने श्रीगंगानगर में कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और राजस्थान के अंदर जो नए मंत्री हैं उस मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। और इस मंत्रिमंडल के अंदर आप देखेंगे कि लगभग 17 से 18 ऐसे नाम हैं जो नए चेहरे हैं, और कई ऐसे जो कह सकते हैं कि पिछली सरकार के अंदर मंत्री पद पर भी रहे, बट उनकी जो छवि है वो साफ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो इस मंत्रिमंडल का कह सकते हैं कि जो गठन है वो 26 से या 27 तारीख को जल्द ही किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 राज्यों के अंदर बीजेपी ने अपना जीत का परचम फहराया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो गया, लेकिन अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि तमाम ऐसे जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी अपने मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्रियों को शामिल करने वाली है। इसके अंदर जो सबसे जो ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो किरोड़ी लाल मीणा हैं, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो जाट, क्योंकि जाट समुदाय है, उसको लेके जो शेखावाटी के अंदर बीजेपी के विधायक हैं, कह सकते हैं कि उनका भी मंत्रिमंडल के अंदर नाम आ सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं, कई सारे दावेदार हैं। वीरेंद्र, शुक्रिया आपका। जैसा कि वीरेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि जल्दी ही राजस्थान में भी मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है।